सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे ले गया आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल द वुल्फ का, आर्क ड्रैगन हंटर सीजन 2 का। सो गाइस, आर्क ड्रैगन हंटर सीजन 2 के पिछले हो गया, मार दिया भाई, मार दिया, टेंशन को लेने का। सो गाइस, आज ड्रैगन हंटर सीजन 2 के पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने मैंटिको रैबिस वाला, जो कि गाइस परसों की बॉस फाइट में मारा गया था वो, और नया एक भाई माइनस में डैमेज देने वाला डोडोरेक्स एबिस वाला, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रैगन हंटर वाला डायनो है, उसको टेम करने का काम जो है ना गाइस, वो हम लोग ने पिछले वाले एपिसोड में गाइस यहाँ पे करा था भाई। काफी ज्यादा खतरनाक एंड ओपी वाला है गाइस वो डोडोरेक्स, और उससे हम लोग ने एक बॉस की पुंगी भी बजाई थी, वो भी ओनली फायर अटैक से। और अभी आज का ये वाला जो ड्रैगन हंटर का एपिसोड है, इसमें पहले तो मैं देखने वाला हूँ कौन से एबिस वाले डायनो स्पॉन हुए, उसके बाद एंशिएंट मिथिकल वाले बॉस या फिर किसी भाई एबिस वाले बॉस से फाइट लेने का काम आज हम लोग करने वाले। वैसे आज का जो एपिसोड है ड्रैगन हंटर सीजन 2 का, वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एनी और हमारे व्लॉगिंग चैनल का, सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है गाइस वन लॉग है, अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और गाइस, अगर आप लोग को आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट, बेडरॉक, जावा वर्जन या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, तो नीचे ट्राडो का लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो, तो जरूर चेकआउट कर लेना गाइस ट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो चले गाइस, आज का ये वाला जो एपिसोड है ड्रैगन हंटर सीजन 2 का वो शुरू करते हैं। और सबसे पहले गाइस हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से एबिस वाले डायनो स्पॉन हुए मेरे भाई लोग, ठीक है। एबिजो चाली नेचियर, डोडो नेचियर, एक आध नया तो एबिस वाला डायनो देखने को मिल ही रहा है मेरे को, अच्छी बात है गाइस। ये जो डिस्ट्रॉय वाइल्ड डायनो है ना, एक मिनट रुक जा भाई, डिलो भी तो ना 450 लेवल का था, उसको भी देख ले, क्या पता छोटा पैकेट भाई बड़ा धमाका निकल जाए, क्या बोलती पब्लिक। डिलोफोसोरस भाई बोलो जुबा केसरी भाई, ये उसका फैन है यार ये अजय देवगन का, सो इसको भी टेम कर लेते गाइस, ठीक है। 7838 भाई, चलो आ जाओ भाई, इनको पहले टेम कर दो, उसके बाद देखते गाइस क्या करना है। ऑलराइट गाइस, पहले इनको टेम कर लेते हैं। घुंगरू सेट यहाँ पे आ जाओ भाई, घुंगरू सेट को लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे डेजर्ट वाले बैम में, जहाँ से डेजर्ट बैम चालू हो रहा है वहाँ पे मेरे को मिल जाएगा हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, गोलेम, ठीक है। कहाँ पे 7838, रुको मैप जो है ना वो लोड होने दो, मैप लोड हो रहा है, हाँ हो गया लोड। 7838 यहाँ पे ही गए सामने की तरफ, यहाँ पे ही है भाई। नहीं नहीं, आप इस वाले डायनो मिल रहे हैं मेरे को, नहीं नहीं, हाँ वो अलग बात है, लो लेवल के मिल रहे हैं, कभी कभी हाई लेवल के मिल रहे हैं, बट क्या करें भाई, नए डायनो से उनको टेम तो कर रहा है, मुझे उनकी पावर तो देखनी है, ये क्या चीज़ है। चालीस 7838 है क्या लोकेशन, वन सेकेंड मेरे को बताओगे सर आप। 7838 भाई, ठीक है, 78 और 38 ना, 78 है क्या, 7838, ठीक है ठीक है, रुको 7838, मुझे सीधा सीधा आगे चले जाना है भाई, यहाँ पे कहीं पे मुझे मिलने वाला है भाई, अपना 7840 पे पहुँच गया, अच्छा यहाँ पे जाना है, इधर 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 तरफ, इधर तरफ, इस साइड में, इस साइड में मुझे अपना गोलेम जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, आराम से चलो। 7838 बस यहाँ पे कहीं पे देखो पत्थर बना हुआ होगा शायद से, ये रहा पत्थर ही बनाया शायद से, हाँ पत्थर बना पड़ा है ना मेरे भाई, चल आ जाओ, आ जाओ पटाखे गई, कहाँ जा रहा है भाई तू, हाँ टेम कर लेते हैं इस, कौन आ गया भाई अटैक करने के लिए, ये अटैक कर रहा है क्या, अटैक कर रहा है क्या सिल्वर वाला मैगमा, बग भेज के आग, हेलो गोलेम हाउ आर यू भाई साहब, उई फुल डार्क ब्लैक कलर का अभी गोलेम यार, पहली बार गई अभी वाला गोलेम टेम कर रहा है भाई, पहली बार
इसका लुक भी काफी ज्यादा खतरनाक वाला है। रुको, इसको एफएम के वाला पोशन जो है वो अपन खिला देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस। ये हो गया यहाँ पे डैम। अबे हम लोग चल के ना डिलो को डैम कर लेते हैं यहाँ पे भाई, ठीक है। डिलो डिलो की लोकेशन कहाँ पे जरा एक बार देख लूँ, शायद से मेरे बेस के आजू बाजू थी मेरे को ऐसा लगा। रुको 74, अच्छा ये तो यहीं पे गई है। 74 27, अच्छा यहाँ पे है गाइस वो, यहाँ पे रुको डाई बॉम्ब मार के जल्दी पहुँच जाऊँगा। 78 24, यहाँ पे कहीं पे गाइस मुझे 78 24 34 24, हाँ सही जा रहा हूँ मैं, सही जा रहा हूँ भाई। ये तो मेरे बेस के साइड में ही है, ये मेरे बेस के साइड में ही है, यहाँ पे कहीं पे मेरे को मिल जाएगा। रुको 78 24 78 24, चल आ जा भाई, चलो आ जाओ। ये रहा यहाँ पे, ये वाले आइलैंड पे मिलेगा मेरे को, बस रुक जाओ। कहाँ पे? आगे की तरफ, यहाँ पे शायद से, इस वाले आइलैंड पे भाई। ब्लैक ब्लैक डार्क कलर का दिख जाएगा, उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी अजीब सी भाई। इसमें तो नहीं है ना, ना इसमें तो नहीं है। ये भाई एक रैप्टर है गोल्ड वाला, 78 24, सही आया हो क्या? अरे यार 74 27 है भाई, यार मैं आगे आ गया भाई काफी ज्यादा। रुको ओके, बस यहाँ पे गई, यहाँ पे शैडो में नहीं क्या? नहीं यहाँ पे गई भी होगा। रुको 74 27, बस पूछ ही गया भाई, दिख भी नहीं रहा भाई कहाँ पे उठी लो फुसोरस। 74 27, बस उसके अंदर से डार्क कलर निकलना चाहिए था, एनर्जी निकलनी चाहिए थी। इसने इन वुल बिल्ब से पंगा लिया था कि ये है क्या? और ये रहा भाई, भाई इसके अंदर से ज्यादा एनर्जी नहीं निकल रही डार्क वाली। व्हाट भाई, सीधा थोबड़े पे पट्टे से भाई डार्क एनर्जी बॉल मारा है मेरे सीधे जो है ना गाइस थोबड़े पे, मेरी पेटी बन गई डायरेक्टली। बेस क्या उड्डी लोग भाई, मैं रुक जाओ भाई, मुझे लग रहा है गाइस वो डिलो काफी खतरनाक है, क्योंकि उसके पास ऐसे गोले शोले फेंकने वाला अटैक है, मतलब उसका डैमेज काफी तगड़ा वाला जाने वाला है गाइस। रुको भाई लोग, उस डिलो को पकड़ना तो बनता है भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मैं इसे नहीं बोलता गाइज, ठीक है, वो सच में छोटा पैकेट भाई बड़ा धमाका है। रुको वेट द लिमिट गाइज, मुझे यहाँ पे कपड़े शपड़े पहनने दो। चल भाई आ जा, अभी थोड़ा सा दूर भाई यहाँ पे उतरूंगा, वरना वापस से मेरे को थोबड़े पे पट्टे से हेडशॉट मिल जाएगा, ठीक है, वापस से भाई पट्टे से हेडशॉट मिल जाएगा। रुको उस पैकला चालू तो कर ले अंकल। क्या बे, कौन है तू? वो क्या, वो वर्ल्ड अनिका? चल बस बेस क्या, वर्ल्ड अनिका बोले, ए थप्पड़ मारा वर्ल्ड अनिका की, बैंड बज गई भाई, लाड में आ रही थी वर्ल्ड अनिका। कहाँ पे? ये रहा सिंबल के, इस बार थूकना दे भाई, थूकने से पहले नॉकआउट कर ले, ले बेटे लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई, इसको अभी खिला दे भाई। अभी कौन आया भाई? कोई तो उंगली करने आया यहाँ पे, लगाया था भाई, कोई तो उंगली करने आया है। इसका टेमिंग इफेक्टिवनेस की बेस की आँख हो जाएगी भाई। एलियन वुल्फ है ना ये, एलियन वुल्फ के बच्चे इधर आ, इधर आ। लग क्यों नहीं रहा भाई इसका कुछ को, अभी निकल, एलियन वुल्फ का बच्चा भाई। अबे दो दो एलियन वुल्फ है भाई, अबे दो क्या आए लेन उल्फे भाई शिमड़े। हाँ चलो, अभी कौन डुडुम डुडुम कर रहा है यहाँ पे? तेरा 100% टेमिंग इफेक्टिवनेस है लकीली, इसको कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, इसका लेवल भी 607 हो चुका है। चलो आ जाओ भाई, एलियन उल्फ को टेम कर लूँ क्या? आ ही गया तो कर ही लेता हूँ, चलो आ जाओ भाई, नॉकआउट तो कर ही लिया है भाई, तो टेम कर ही लेते हैं। सुपेरियर किबल भाई खिलाना है मेरे को, ये हो जा टेम एफएम के। एक केबल से हो ही जाएगा वैसे बेटे, भाई दूसरा वाला भी खा गया भाई। रुको भाई, सुपेरियर केबल वो दूसरे वाले के भी भाई, दूसरे वाले वुल्फ के लिए भी बना लेता हूँ मैं, ठीक है। नॉर्मल वुल्फ है गाइस, हाँ ये नॉर्मल वुल्फ है, कोई ऐसा खतरनाक सा वुल्फ नहीं, मतलब एंशंट मिथिकल भाई एलियन वुल्फ है वो अलग बात है, बट इसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। जैसे अपना नॉर्मल पहले वाला सेबरटूथ था ना, सेम वैसे ही है गाइस। देखो ये देखो इसका लुक, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला है भाई। लुक देखोगे ना आप तो भाई, इसका लुक एकदम डेंजरस है। इसके पूरे बॉडी पे ब्लैक फेदर है और आर्मर पहना हुआ है इसने, बाकी इसके पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है। ये ऐसे हाउल करता है, इसका डैमेज नहीं पड़ता। इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि
इसी की बे, इसकी टेडी है कोने बे, कहां से मार रहा है इसे क्यों भाई? एलियन वुल्फ कहां गया भाई मेरा? मार अभी, आ गया स्वाद बेटा। एक और एलियन वुल्फ है भाई, रुको भाई, दो एलियन वुल्फ तो मेरे को चाहिए, मेरे को पता नहीं भाई, मार को चाहिए दो एलियन वुल्फ। चाहे दूसरा वाला एलियन वुल्फ है शायद से भाई, तो मार खा रहा है, ये दूसरा वाला है भाई। ये एलियन वुल्फ का जो भाई, अगर आप लोग लुक देखोगे ना तो थोड़ा सा अलग है भाई, सुपेरियर केबल 1 2 3 4, ये ले भाई सुपेरियर केबल, हो जाए टाइम। ये एलियन वुल्फ का भाई लुक अलग है, क्योंकि इसके भाई आर्मर की जगह पे ना इसके ऊपर भाई क्रिस्टल उगे हुए हैं। चलो इनको मैं दिखाऊंगा बाद में, पहले तो मुझे जाके भाई एबिस वाले अपने दो नए डायनोस को यहाँ पे चेकआउट करना है, मेरे को देखना है भाई हमारे दो नए नए खतरनाक से डायनोस को एबिस वाले भाई, ठीक है आ जाओ। चलो अभी फटफट करके यहाँ पे मैं वो दो एबिस वाले डायनो निकाल देता हूँ। एक तो हमारा रॉक गोले में एबिस वाला, हुए लुक देगा यार भाई, क्या भाई लुक तो काफी खतरनाक है। डिलो बोलो जुबा केसरी भाई, भाई अजय देवगन के फैन निकल जा बाहर। ए राइड, डायरेक्ट राइड है भाई। भाई ये भाई गोलेम देखो भाई, गोलेम का लुक देखो, फुल डार्क भाई, फुल डार्क भाई। रुको 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 गाइस, यहाँ पे मुझे इसके लिए सैडल बनाने दो। ये मत बोलो कि डिलो के लिए भी सैडल है, नहीं ना, नहीं है गाइस। रुको मुझे इनग्राम अनलॉक करने दो पहले। A few moments later. इनग्राम मैंने अनलॉक कर लिए, मेरे हिसाब से अभी डीलू का सैडल तो हमारे पास है नहीं, और ना ही उसका सैडल होता है भाई, ठीक है। और रॉक गोलेम का सैडल तो जरूर है अपने पास, सिल्वर वाला ही बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रॉक गोलेम जो है ना काफ़ी लो लेवल का है, इसको अगर हम लोग ऐसे बॉस फाइट के लिए लेके गए ना तो इसकी बैंड बजा देंगे। सो इसका बस एबिलिटी और डैमेज मुझे चेकआउट करना है, इससे मुझे किसी बॉस को नहीं मारना है, इसलिए मैं सिल्वर वाला ही बना देता हूँ और उसको असेंडेड नहीं करूँगा, ठीक है। रुको एबिस वाला और कोई डायनो, बिगफूड, एबिस बिगफूड। अबे यार तुम क्या कर रहे हो भाई, ये भाई ये नए नए डायनोस स्पॉन करे जा रहे यार। एबिस वाला बिग फूड कर लिया, ये तो मैंने जिंदगी में कभी टेम नहीं करा है भाई। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है भाई, बिग फूड मिलने वाला है, वो भी काफी ज्यादा हाई लेवल का, और उसको टेम करना तो बनता है, और तुम्हारा भाई उसको टेम जरूर करेगा। अभी तो रॉक ड्रेक की पावर देखते हैं। चलो इसके ऊपर, वाह इसके ऊपर डायरेक्टली राइड कर सकते हैं, तो सैडल की जरूरत क्यों है, ओनली फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है चलो ओके। सो गाइस पीछे से तो काफी खतरनाक लग रहा है यार, फुल ब्लैक कलर का भाई हमारा ये रॉक गोले में, और ये जो एनर्जी इनके अंदर से निकल रही है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती यार, क्योंकि उसके रीजन से इनका लुक जो है ना गाइस वो यहाँ पे अच्छे से दिख ही नहीं पाता। ये देखो कैसे टट्टी दिखते है भाई, पता भी नहीं चलता किस चीज को चला रहे। चलो कोई ना, अटैक देख लेते पहले, तो नॉर्मल अटैक है ठीक है, पत्थर फेंकने वाला नॉर्मल अटैक है, सी पे नॉर्मल अटैक है, एक्स पे भाई फालतू गिरी भाई, ये क्या फालतू गिरी हुई, ये तो नॉर्मल गोले मॉल अटैक है, कोई स्पेशल अटैक दिखा मेरे को बेस की आग, नहीं ये क्या स्पेशल अटैक भाई, तो बदतमीजी हो गई अपने साथ, कोई स्पेशल अटैक ही नहीं है भाई इसके पास। रुको हेल्थ बड़ा भाई, ये मत बोल के 100 बिलियन इसके हेल्थ ऐसे हो गए भाई ना, 11 बिलियन भाई, हेलो अच्छा गोले में वैसे भी। सो इसकी जो ना कि हेल्थ उतनी ज़्यादा तगड़ी वाली नहीं होती है, क्योंकि इसका आर्मर होता है ना खुद का गाइज, ठीक है रॉक का आर्मर होता है ना, उस रीजन से गोलेम की हेल्थ हमेशा थोड़ी कमी होती है। ओके डैमेज के हिसाब से मुझे लग रहा है इसका डैमेज काफ़ी कम जाने वाला है, क्योंकि इसका अभी 28 मिलियन इतनी लेवल अप करने के बाद डैमेज जा रहा है। ठीक है मैं सी वाले अटैक को एक बार देख लेता हूँ कि सी वाला अटैक जो है जो कितना डैमेज दे रहा है यहाँ पे, ठीक है वेट एलिमिट भाई, यहाँ पे इन डायनोस के ऊपर देख लेता हूँ। ये गोलेम मुझे भाई उतना खतरनाक नहीं लग रहा, 45 मिलियन, अब ऐसे लेवल भी तो कमी है ना गाइज, 150 लेवल का हो चुका है शायद से मेरे हिसाब से अभी ना। अरे यार पत्थर भी नहीं लगा भाई इसके, किसको रॉक गोलेम भाई 149 लेवल का है गाइज, ठीक है 28 ठीक है गाइज, नॉट दैट बैड, लेवल के हिसाब से तो इसको देना चाहिए तो था ज़्यादा, क्योंकि भाई डोडो वाइवरन जो अपने पास है उसकी लेवल भी भाई काइंड ऑफ इतनी है भाई कुछ, ठीक है लगभग इतनी है, लगभग इतनी है, बट उसका डैमेज भाई 1.8 बिलियन जा रहा है, और इसका डैमेज जो है ना गाइस काफ़ी कम जा रहा है, इससे बस 100 लेवल ज़्यादा है गाइस, ठीक है 100 लेवल ज़्यादा है भाई, मैक्स लेवल ही आज के जन्म में होगा कि नहीं यार भाई। इसका पत्थर वाला अटैक नहीं यार, इसके पास कोई स्पेशल अटैक ही नहीं है, वो देखो पत्थर देखो मार कहाँ रहा हूँ, जा कहाँ रहा है देखो, अब देखो अबे कहाँ मार रहा हूँ मैं, लिच भाई
लिच पकड़ ली भाई, लिच पकड़ लीज भाई। अरे मेरे थोबड़े को भी लिच ने पकड़ लिया, रुको रिमूव कर लेता हूँ, रुको गाइस लिच को। ठीक है भाई, तेरे ऊपर लगी है क्या रे लिच? नहीं ना, हाँ ठीक है चलो आ जा भाई। लिच ने मेरे को भाई पकड़ लिया था, लिच बहुत घिनौनी होती है गाइस। मैं इसकी मैक्स लेवल करके देख ही लेता हूँ फिर भी कि क्या सीन है भाई। पत्थर से कोई मरेगा कि नहीं भाई, गोले भाई जितना कुछ में इसको टेम करते वक्त था ना भाई, मैं बोला भाई गोलेम मिल गया भाई, काफी खतरनाक होता है गोलेम। अभी उतना ही बुरा लग रहा है कि ये क्या पकड़ लिया मैंने भाई, क्या ये क्या पकड़ के लेके आ गया इसमें भाई। इसके डैमेज तो भाई बहुत ही ज्यादा कम है, और ना इसके पास कोई स्पेशल अटैक है। क्या गुंडा बनेगा रे गोलेम तू, रुक जाओ देखते देखते रुको, इसकी मैक्स लेवल करके देखते हैं। ये हो गई मैक्स लेवल, इम्प्रिंट भी कर देता हूँ मैं तसल्ली के लिए कि इसके डैमेज कितना जाएगा। ठीक है 30 बिलियन इसकी हेल्थ है, ठीक है ज़्यादा हेल्थ नहीं है इसकी, 80 139। ठीक है ना यार गाइस, इसका डैमेज ज़्यादा नहीं जा रहा है, नहीं मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया गाइस गोलेम भाई। इसका डैमेज ही नहीं है, बहुत ही लो डैमेज है, 100 मिलियन ठीक ही है चलो, मतलब उतना भी बुरा नहीं है, बट नहीं यार नो नो गाइस मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मुझे इसको चलाने का मन ही नहीं कर रहा। इससे अच्छा तो ना गाइस मैं जाके वो डिलोमोसॉरस को चलाऊँ, उसके पास कोई स्पेशल पावर्स थी। चलो आ जाओ भाई गोलेम सर, आपने हमको बहुत ज़्यादा ही निराश करा है, इसलिए मैं आपको वापस से बेस पे लेके जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा निराश करा है भाई गोलेम सर ने हमको। क्या हो गया यहाँ से निकल नहीं सकता क्या? ये उजा कराए, ठीक है इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ बाहर। समझ लो सोचो गाइज कि गोलेम से ज़्यादा डैमेज ये भाई बोलो जुबा के, इसलिए भाई अजय देवगन का फैन भाई यहाँ पे थूक के दे दे भाई, ठीक है ऐसा विमल खा के थूक के भाई ज़्यादा डैमेज दे दे, तो भाई गोलेम तेरी तो बेइज्जती हो जाएगी भाई। देख ले अभी देखते चलो क्या होता है। मैं इसके अंदर तो बैठ गया हूँ, इसकी भाई मूवमेंट स्पीड देख के थोड़ा सा ठीक है भाई, बुरा लग रहा है क्योंकि इसकी मूवमेंट स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ठीक है और चल भी ऐसे रहा है ना कि भाई हाँ किसी को पकड़ने के लिए जा रहा है, हल्लू करके देखो दोनों हाथ ऐसे आगे करा है और हल्लू करके घास में से चुप्पे चुप्पे किसी को पकड़ने के लिए जा रहा है भाई। ठीक है अटैक भाई, भाई बाइट अटैक भाई, नाइस बाइट अटैक करेगा तो मुँह से ऐसा थूक निकल रही है। लेफ्ट क्लिक पे क्या अटैक है भाई तेरा? अच्छा भाई बोलो जुबा केसरी वाला बॉल फेंक रहा है भाई, ठीक है बस खत्म अटैक भाई। ये क्या है यार भाई, जितने भी नए आबिस वाले डायनो मिल रहे हैं ना वो सारे डायनो ना ऐसे ही नल्ले है क्या भाई? ना कोई स्पेशल अटैक है ना कुछ और। ले भाई इसकी हेल्थ तो भाई 100 बिलियन हो गई है, 100 बिलियन हेल्थ है ना भाई तेरी? भाई 100 बिलियन हेल्थ हो चुके हैं, मतलब हमारे रॉक गोलेम से ज़्यादा हेल्थ हुई है भाई। ठीक है जागो रह गया ब्रो, भाई थूक दे भाई यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ थूक दे भाई, भाई मर गए भाई, भाई थूक दिया मैंने डायरेक्टली, उतने दूर के डायनो मर गए। ठीक है चलो मुझे लग रहा है रॉक गोलेम का जो डैमेज का रिकॉर्ड है ना वो यहाँ पे अपना ये डिलोपोसोरस तोड़ने वाला है। ठीक है ऐसा लग रहा है मुझे, चलो देखते आ जाऊँ। 100 बिलियन तो हेल्थ इसकी हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ भाई टीपी मार के लास्ट लोकेशन पे, वहाँ पे पानी क्रॉस करके, क्योंकि इसकी मूवमेंट स्पीड काफ़ी स्लो है। सो अगर उसको हाँ ये देखो यहाँ पे पहुँचाना होता ना तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता। उसको मार दे भाई, मरेगा कि नहीं तेरा अटैक? जाए अरे जा क्यों नहीं रहा भाई? लो भाई इसके अटैक को क्या हो गया अभी, इतना दूर जा ही नहीं रहा। रुको मार इसको, ग्लिच हो गया था कुछ। What the hell? मैंने इसके डैमेज में इतने सारे पॉइंट डाले, ठीक है गाइस इतने सारे पॉइंट डाले बट इसका डैमेज तुसा भी नहीं पड़ा, कुछ तो गड़बड़ दिया भाई। भाई विमल का की टुकड़े वाला अटैक ग्लिच भी चेक है इसका, 400 समथिंग भाई उतना ही ये अटैक पक्का ग्लिच है गाइस, ये अटैक पक्का ग्लिच है क्योंकि सेम टू सेम उतना ही डैमेज जा रहा है जितना भाई लेवल अप से पहले था भाई। ठीक है 136 मिलियन भाई यहाँ पे इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है गोलेम का, गोलेम का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, गोलेम का जो ना कहीं जितना भी डैमेज नहीं जा रहा था। लेकिन कहीं इसकी लेवल भी तो देखो भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली है, गोलेम के अगर इतनी लेवल होती तो काफ़ी तगड़ा वाला डैमेज वो भी देता। ठीक है इसका ये वाला भाई विमल खा के थूकने वाला अटैक जो है ना कहीं वो ग्लिच है यहाँ पे,
इसलिए इसका डैमेज भाई सेम ही जा रहा है, मतलब काफी कम ही जा रहा है ऐसा बोल सकते हो। रुको इसको भी मैक्स लेवल करके मैं देख लेता हूँ। मुझे नहीं लग रहा गाइस कि इसके पास भी ना मतलब कोई स्पेशल अटैक तो है ही नहीं, मतलब ये कुछ नहीं कर सकता, हम लोग इससे बॉस फाइट ले ही नहीं सकते। जो भी दो आज डायनो टेम करे ना वो दोनों के दोनों मुझे भाई थोड़े से ऐसा नल्ले नल्ले लग रहे गाइस यहाँ पे। ठीक है भाई काम कर लो, भाई काम कर लो, मैं तो बोल रहा हूँ भाई। डिलोफोसॉरस का भी जलवा आप लोग ने देख ही लिया है, मैक्स लेवल अप करके भी भाई क्या कर रहा भाई तू, लाड में अटैक करने आ रहा था वो। ठीक है सो अगर मैं इनकी मैक्स लेवल अप कर भी देता हूँ ना तो भी गाइस इन लोग का डैमेज आपको बताइए कितना जाएगा, मैक्स टू मैक्स 200-300 मिलियन। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग चल के एबिस वाला एक और डायनो स्पॉन हुआ है जिसका नाम है ये बिग फूट, इसको जाके टेम कर लें। फेनरिल वो अरे हाय तुम किडनी में हार्ट अटैक दोगी क्या मेरे को भाई, क्या क्या ओपी ओपी डायनो दे रहे भाई लोग। ये फेनरिल को आज टेम नहीं करेंगे, अगले एपिसोड में कर लेंगे फेनरिल को टेम। क्या क्या ओपी ओपी डायनो दे रहे हो भाई लोग तुम, भाई मार ही डालोगे क्या, खतरनाक ही खतरनाक डायनो दे रहे हैं। 45 45 किधर है बताओ 45 45। अबे ये तो अच्छा उधर है ना भाई, चलो आ जाओ भाई, ये गोरिल्ला को टेम कर लेते हैं। आ जाओ भाई गोरिल्ला को टेम कर लेते हैं भाई, क्या खतरनाक डायनो दे रहे यार, मजा ही आ जा रहा है। फेनरिर आपको पता है मैंने गोल्ड वाला फेनरिर टेम करा था भाई, इतना खतरनाक था ना वो गोल्ड वाला फेनरिर, इतना खतरनाक था क्या बताऊँ आपको। और अभी मेरे को उसका एबिस वाला वेरिएंट मिल रहा है भाई, उसको तो मैं टेम करूंगा भाई अगले एपिसोड में किसी भी कीमत पे, कुछ भी हो जाए वो अपन से टेम होके रहेगा। अभी मुझे 45 45 पे जाना है ताकि मैं बड़ा सा बिग फूट गोरिल्ला टेम कर सकूं, जो कि भाई चार भाई मंजिला इमारत के जितना बड़ा होता है। ठीक है 45 45 यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, रुको ग्राफिक लोड हो रही इस वाले एरिया की, ये वाला मॉड है ही भाई ऐसे खतरनाक वाला भाई। ठीक है लोड काफ़ी ज़्यादा लेता है, और अपना भाई बिग फूट वहाँ पे नीचे। ठीक है बारिश आई वो अलग भाई, ठीक है उसको क्रायो कर लेता हूँ पहले भाई, क्रायो हो जा मेरे भाई। हाँ सो कहाँ पे अपना भाई बिग फूट, बिग फूट को जाके फटाक से टेम कर लेना है मेरे को। था कहाँ पे नीचे तो था ना, अच्छा अच्छा यहाँ पे नीचे था भाई, यहाँ था या वहाँ था या कहाँ था, रुको कौन से डायरेक्शन में था मैं भूल गया, कहाँ पे यहाँ पे है क्या, हाँ ये रहा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे सामने की तरफ है भाई। ठीक है यहाँ पे सामने की तरफ है, चलो फटाफट से टेम कर लेते हैं उस बिग फूट को। हेलो सर हाउ आर यू, क्या हाल चाल, 390 लेवल का भाई ये हमारा बिग फूट है। और पहले गाइस मेरे को एक काम करने दो गाइस, ठीक है रुको इसको पहले आबेज खिला देता हूँ मैं, इसको टेम कर लेता हूँ पहले तो, उसके बाद FM के पोशन इसको खिला दूंगा। ठीक है ये हो गया भाई यहाँ पे टेम, ठीक है चलो आ जाओ। अभी भाई पहले तो मुझे घर पे जाने दो, वेट अ मिनट, और घर पे जाके जो बाहर डायनोज है ना उन सबको क्रायो करके पहले मैं अपने भाई वो सोल टर्मिनल के अंदर डाल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लोड ले रहेगा इस यहाँ पे, और उस रीज़न से भी भाई अपना सर्वर थोड़ा सा लैगी लैगी हो रहा होगा। रुको ये इम्प्लांट यहाँ पे डाल दें, हाँ अभी भाई जो बाहर बड़े बड़े डायनोज है जो कि हम लोग ने शोकिले से निकाल के रखे ना, तो इन लोग को मेरे को क्रायो करने दो भाई। ठीक है उनको क्रायो करके जो ना गाइस मैं अच्छे से रख दूंगा अपने सोल टर्मिनल के अंदर, कोई सीन नहीं है भाई कोई सीन नहीं है कोई सीन नहीं है भाई, सेफ रहेंगे टर्मिनल के अंदर। ऐसे बाहर रहेंगे ना तो भाई गेम जो है ना बहुत ही ज़्यादा भाई लैगी हो जाता है उस रीज़न से। इन लोग को थोड़े से डायनोज को तो बाहर निकाल के रख ही सकता हूँ मैं, जो बड़े बड़े डायनोज है ना इनको भाई क्रायो करके रख देता हूँ। रुको डोडोरेक्स को तो भाई बाहर निकाल के रख देता हूँ क्योंकि इसको तो मैंने अभी डेम करा है ना, रुको ये डोडोरेक्स को निकाल दिया बाहर यहाँ पे, एंड तुम भी आ जाओ भाई, चलो तुम भी आ जाओ भाई, चलो आ जाओ भाई लोग। ओ ये कन्या को तो मैं यहाँ पे रख दूंगा गाइज, ये तो अपने घर का प्रोटेक्शन करेगी यहाँ पे ऐसे बैठ के। ठीक है और ये कौन है भाई, इसको भी खराब कर ले, चल आ जाओ डन। अभी बस इतने भाई डायनोज जो है ना भाई बाहर रहेंगे गाइज, ठीक है खाली इतने डायनोज बाहर रहेंगे, इसको भी क्रायो कर ले सार्को को, फेनरिर इसको भी कर ले, इसको भी कर ले, इसको भी और इसको भी। ठीक है चलो आ जाओ भाई लोग, अभी जो ना कि इस लोड थोड़ा सा कम पड़ेगा और अच्छे से चलेगा अपना गेम। और ये सारे के सारे जो डायनोज मैं लेके आया हूँ उन सारे डायनोज को हम लोग यहाँ पे टर्मिनल के अंदर अच्छे से सेफ रखेंगे। ठीक है अभी गाइस यहाँ पे बारिश जाने दो, जैसे बारिश जाएगी मैं आपको गोरिल्ला एबिस गोरिल्ला के जल भी दिखाऊंगा, और फेनरिर जो स्पॉन हुआ है ना एबिस वाला
उसको तो चेकआउट करना ही है भाई, उसको अगले एपिसोड में टेम करूंगा, वो एपिसोड मिस नहीं करना। फिंड्रेड बहुत ही ज्यादा ओपी होता है भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बोल दिया। चलो मिलते हैं बारिश जाने के बाद, तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो जब तक बारिश जा रही है। बारिश यहाँ पे जा चुकी है और अभी हम लोग यहाँ पे निकालने वाले बाहर। ये किसको निकाल दिया गलती से? रुको भाई, इसको भाई वहाँ पे अंदर रखने दो। मैंने गलती से यहाँ पे सेबर दूध को निकाल लिया। ये सेबर दूध यहाँ पे चला जाएगा। और ये कौन सी चीज़ है भाई? ड्रैगन स्पैरो, इसको भी अंदर डाल दें। मेरे इन्वेंटरी में बहुत सारे भाई डायनो पड़े हुए हैं, आग जाओ। ये लो, ये रहा अपना बिग फूड एबिस वाला, इसके ऊपर तो डायरेक्टली राइड कर सकता हूँ मैं। अरे बाबा, अरे बाबा भाई, ये गोरिल्ला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यार। लेकिन इनके अंदर से जो ये एनर्जी निकलती रहती है ना, ये मुझे पसंद नहीं है भाई। भाई ये एनर्जी के कारण इनका लुक अच्छे से दिख नहीं पाता, बट बुरी बाबा आओ, ठीक है, काफ़ी खतरनाक अटैक है, ठीक है। अपने अंदर से ऐसा खड़ा होके गोले छोड़ रहा है तू भाई, ये क्या सावधान स्थिति में खड़ा हो रहा है भाई तू? और कोई अटैक नहीं है क्या? ना, बस इतने अटैक है भाई इसके पास। ऐसा लिप लिक से सावधान स्थिति में खड़ा होता है और अपने, ओ वहाँ से, अच्छा हाथ के साइड से छोड़ रहा है, कहीं गलत जगह से नहीं छोड़ रहा, हाथ के साइड से गोले छोड़ रहा भाई, ठीक है। मुझको बता तू कितना पावरफुल है भाई, मेरे को बता तू कितना ज़्यादा पावरफुल है। 200 बिलियन तेरे हेल्थ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद तेरे मिली डैमेज में बचे हुए सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ। आज तो तीन भाई नए एबिस वाले डायनो टेम कर लिए हम लोग ने, तीन। एक तो हमारा भाई बोलो जुबा केसरी वाले डिलो, एक गोलेम और एक भाई ये खतरनाक सा बिग फूड। आ जाओ भाई बिग फूड से, और आपका डैमेज बताऊँ भाई। तेर भी एकदम इंसान की तरह रहा है, देख रहा हूँ, ये देखो इंसानों की तरह तैर रहा है भाई, ये बिग फूड है। सही है भाई, सही है, सही है, सही है। रुको स्पार्कला चालू कर लेता हूँ एंड ले डैमेज। वो पानी में अटैक नहीं कर सकता ये, ठीक है भाई। दोस्तों और पेलडाल में तो बोल रहा हूँ, पेलडाल सबको चपाती बना दे, सबकी सबकी चपाती बना दे, मैं तो बोल रहा हूँ भाई। तो एक गोले वाला अटैक कितना जा रहा है तेरा भाई? 170 ले बेटा, 415 मिलियन, नहीं नहीं मिलियन, हाँ नहीं मिलियन नहीं है, मिलियन नहीं है, 200 मिलियन गया, 200 मिलियन गया, 200 मिलियन गया, हाँ 260 मिलियन भाई, ठीक है भाई। हार्वेस्ट कर दे सबको, ले बेटा बेटा, मैक्स लेवल अप, सीधा सीधा इम्प्रिंट भी कर देता हूँ और फिर देखता हूँ ये जो हमारा बिग फूड है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। ये ले भाई बिग फूड भाई, 371 बिलियन हेल्थ एंड जो डैमेज है वो 700 मिलियन, ठीक है। और ये गोले वाला अटैक भी लगभग उतना ही जाएगा, 700 मिलियन ना, हाँ भाई 700 मिलियन का गोले वाला अटैक भी जाएगा। गोले वाला जो इसका अटैक है ना गाइज, वो भी यहाँ पे कुछ कम नहीं है, मतलब 700 मिलियन के कितने गोले फेंक रहा है भाई तू? 10 गोले पकड़ के चल लो कम से कम, मतलब 700 मिलियन के 10 गोले एक साथ भाई फेंकेगा ये, ठीक है। एनिमी के ऊपर भाई खतरनाक है भाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा ओपी है। मैंने गोलेम, उसके बाद डिलोबोसोरस एंड उसके बाद ये बिग फूड टेम करा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है बिग फूड निकला है, ठीक है गाइस, सबसे ज़्यादा पावरफुल भाई। इसने तो भाई बैंड ही बजा दी भाई सबकी, इसने तो बैंड ही बजा दी भाई, 700 मिलियन का इसका डैमेज आ रहा है। चलो इससे जो ना कि हम लोग फ्यूचर में किसी ना किसी खतरनाक से डायनो को जरूर से, यहाँ पे डायनो को नहीं सॉरी, किसी ना किसी खतरनाक से बॉस को जरूर से मारेंगे। बाकी अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है ना हमारा, फिलो नहीं भाई, डिलो डिलो डिलो, हाँ। सो गाइज आज का ये वाला, अरे डिलोपोसोरस अंदर डाल दिया लग रहा है मैंने। तो गाइज आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है ना, हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क ड्रैगन अंडर सीजन 2 का। सो आज का ये वाला एपिसोड और जो तीन एबिस वाले डायनो हम लोग ने टेम करे हैं, जिसमें भाई बिग फूड है, रॉक गोले में और डिलोपोसोरस है, वो तीनों डायनोज आपको कैसे लगे जरूर बताना नीचे कमेंट करके। अगर अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अच्छे नहीं लगे होंगे तो भी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं फिर सीधा आपसे अगले एपिसोड में ड्रैगन हंटर सीजन 2 के, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय गाइस, सी यू लेटर।